मैंने ये तो नहीं सोचा इस साल क्या करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करूंगा। मैं क्या सोच रहा हूँ मोटे, लाइफ बहुत छोटी होती है, हमें जो मन में आया वो करना चाहिए, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने चाहिए। हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है। एक बार जीते एक बार मरते तो ठीक है, प्यार तो एक बार नहीं हुआ तुम्हें। और ये तीसरी लाइन क्या ऐड कर दी, बाइक लेते हैं भाई, ये कौन इनको वो करा है, बाइक लेंगे बाइक। तो मैंने कहा था 50,000 लाइक्स आएंगे तो मिलूंगा यार, 65,000 लाइक्स आ गए वीडियो पे यार, और 10,000 कमेंट लोग। मैं अपने लिए ले रहा हूँ यार, हफ्ते में दो हफ्ते में एक बार भी निकाल ली खुशी यार। लेकिन मुझे ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, इसलिए मैं लेने भी नहीं दूंगी। ये एक महीने में दो बार जाएंगे, शौक पूरा करने के लिए इतने पैसे नहीं खर्च किए जाते। अब एक बच्ची के पापा हो तो शौक पूरा करने के लिए लोग बैंकॉक जाते, दुबई जाते, हम तो बाइक ही ले रहे भाई, बहुत ज्यादा सस्ता है। मैं चाहती हूँ सबको पता चले, क्योंकि जितने ये भोले बनते हैं उतने भोले बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी चिड़ौकड़ी औरत है, पहले ये कहती मैं सब रिकॉर्ड करूंगी, तू क्या क्या करता है, फिर कहती है साले मेरे को कैमरा बंद करने दे, पहले मैं लड़ लूँ अच्छे से, उसके बाद रिकॉर्ड करूंगी। क्योंकि वरना फिर मैं मुद्दे से भटक जाता हूँ कैमरे के आगे, जैसा ऐसा मुंह है ना, मैं तो जिंदगी से भटक चुका हूँ। लेकिन इसको बंद करो यार भाई, आज लड़ना है, लड़ना आज। तो गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग, आज है हमारी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी। मैं बहुत ही खुश हूँ एक्चुअल, मैं ये बोलने के नहीं कह रहा कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला मुझे, बट मेरे को तो इसकी लड़ाई में भी बहुत मजे आते हैं, मैं तो एंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा प्यार आ रहा है आप लोगों का। गाड़ी चालू है, एक बार मैं गाड़ी खुली छोड़ के चला गया। मैं एक्चुअली मेरी दिक्कत है कि पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ, देख शीशे भी खुले, पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ, भूल जाता हूँ गाड़ी बंद के नहीं, खुली गाड़ी छोड़ के निकल देता हूँ। पैनकेक के लिए बहुत फेमस है साइबर हब, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दिस अ डेट। कुछ डेट तो रात को होती है थोड़ी, नहीं मुझे पता डेट रात को क्यों होती है, पता क्यों? तो रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, इसलिए डेट। यहाँ पे चाय अवेलेबल नहीं है, अच्छी बात यह है कि चाय सामने ही, तो अदरक वाली लूंगी मैं। अरे मेरी माँ ले आऊंगा, गुड थिंग इज आई एम ऑर्डरिंग चाय फ्रॉम हियर, और खाना पीछे आया हूँ। आपने उल्टा पकड़ा, नाइस राइट हैंड होता पागल। अच्छा तो लेफ्ट से खाओगी खाना, बकवास ना, आपको क्या पता, इतनी गली बेइज्जती। लेकिन यार राइट हैंड से खाएंगे फोक से और क्या, अरे आपको नहीं पता उल्टा बता रहे, इनके साथ यही है, जाता जाता है नहीं, और कॉन्फिडेंस इतना। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं कैसे सेंटेंस सोच रहा कि मैं बोलूँ और आई कैन प्रोटेक्ट हर फ्रॉम दिस बेस्टी व्हिच इज अबाउट टू हैपन इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लेकिन सही में यार कौन खाता, जो भी खाता है फोक से प्लीज बताना, राइट में फोक पकड़ते हैं लेफ्ट में बताओ। पंजाबी में एंगल नीचे रखते हैं। रितु रोटी को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे जाके, मैडम के 100K होने वाले, 100K कि बचपन में आपके माँ बाप सिखाते होंगे आपको, बेटा मेहनत करो मेहनत करो, लक वक से कुछ नहीं होता, मेहनत करो। इन जिस हिसाब से इनके 100K हो गए ना, मेहनत देते हैं लक ही होता है बेटा, तो लक होता है या तो अच्छे पति से शादी कर लो। और उसको बोलो कि आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग किया करें ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। 100K रीचिंग विदाउट एनी डूइंग टीचिंग, माय गॉड, नो मेहनत ओनली, हाय राम 100K। यम यम यम, आप भी अपने नोकी लेदार निकालेंगी, निकाल नोकी लेदार, और मैं जवाब दूं। आप तो वो नुकीली, आप तो वो नुकीली दांतों वाली। ऐसा लग रहा है लंगूर के हाथ में अंगूर, खट्टे अंगूर, खट्टे अंगूर। अरे करण मिले थे ना करण से, यो आप यहाँ कैसे, कैसे हो, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। गाइस वी बम्प्ड इनटू करण सिंह, हेलो, एंड इनको आपने पहले देखा होगा व्लॉग में, हम मिले थे आरएमएफ में।
स्टारबक्स में हम लोग आए कॉफी पीने, सो ही वाज आल्सो हैविंग अ कॉफी एंड अभी हम लोग कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं कुछ साइन साइन के लिए. वैसे क्या बोलते हो, इल्यूजन? आई कॉल मायसेल्फ साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट. साइकोलॉजी और मैजिक मिक्स करके व्हाटएवर कम्स आउट. ऐसा लग रहा है कि इसकी डिग्री विग्री होगी, बहुत ध्यान रखिए. 4-5 साल पढ़ाई कर दी, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं. अच्छा हां, दिस इज ऑन अ सीरियस नोट, मैजिशियंस है जो करते हैं, दिस इज लाइक समबडी टीचेस यू और देयर इज अ कोर्स, और कैसा होता है? सेल्फ टॉट है सर. सेल्फ टॉट है. हां, दिस वर्क्स लाइक दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर इज वन स्कूल समवेयर इन स्पेन. I've bumped into Gaurav and Ritu. बहुत ही ज्यादा फन होने वाला है. तो आप दोनों एविएशन में हो. सो व्हाट आई हैव कम अप विद फॉर बोथ ऑफ यू इज समथिंग बेस्ड ऑन एविएशन. ओह फक, बट हाउ इज इट पॉसिबल? बेस्टिंग राती की जाती है. आया कैसे यार? पता नहीं यार. लोग गाइस, दिस वाज करण सिंह एंड ये जो वीडियो आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना आपको, आप इनके चैनल पे देख सकते हैं, करण सिंह मैजिक पे. डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा. इनका इंस्टाग्राम भी नीचे पॉप हो रहा होगा, यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. एंड अभी एक और मैजिक कर रहे हैं, वो किसके ऊपर है? आपकी एनिवर्सरी के ऊपर. एनिवर्सरी स्पेशल. आई लव एनिवर्सरी स्पेशल. ये कितने साल हो गए? 2 years, 3 years, 4 years. 3 साल हो गए भाई. 3 साल हो गए और बहुत मजे आ रहे हैं. सही बताओ, बहुत मजे आ रहे हैं. Since it's the anniversary, I want to give you a kind of a present. And that present will be Gaurav's history. Oh my god. Yeah, are you okay with that? मेरे को कुछ डरना नहीं है. ऐसा नहीं, तू नो एवरीथिंग. हां, आई नो एवरीथिंग. आप ये देखते हैं कि सही है सच है. अरे ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. थिंक ऑफ हाउ मेनी रिलेशनशिप्स यू हैड. रिलेशनशिप और अगर आप एक दूसरे को देखो एक सेकंड के लिए, दोनों अपने फोटो के साथ कुछ ना कुछ कर दें, मुझे लगता है नाम आप दोनों सोच रहे हो. तो आई थिंक कोई शर सा कोई साउंड है जो आप सोच रहे हो, उसमें भी कोई शर सा साउंड है. हाँ, ओके, परफेक्ट. जो भी नाम है बोलते रहो, बार बार चिल्लाते रहो. दो नाम आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन कौन सा जीत रहे, बट आई थिंक दोनों अलग अलग नाम जीते हो, बट दोनों में शर स्टार्टिंग. आप सोच रहे एक और नाम आ रहा था मुझे, विच आई थिंक आप सोच रहे थे ज्यादा, आपके शायद दिमाग में नहीं क्रॉस हो. आपने खाली एक ही, आपने एक दो नाम क्रॉस हो गए. आपका आई थिंक कोई तीसरा नाम भी क्रॉस हो रहा था. जो तीसरा वाला आई थिंक आपके दिमाग में नॉन क्रॉस हो रहा है, इज आई थिंक रिलेशनशिप नहीं था या पता नहीं क्या था, कुछ 15-20 दिन का कुछ सीन था. आपको दिल्ली कहाँ पे था क्या था? I think she was hitting on you, या you were hitting on her, दोनों में से ऐसा कुछ था. काफी लड़के थे. बहुत अच्छी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है यहाँ पे. जिम में कोई थी? कोई जिम में? हाँ. इसमें भी कोई शर सा साउंड है, बट बीच में स्टार्टिंग भी नहीं. अगर किसी को ये बाबा बाबा के पास जाना, छोड़ दीजिए इन्हीं के पास, आइए मेरे पति का चक्कर चल रहा है. दिस वन करण सिंह मैजिक. बहुत ही मेरे प्यारे लोग. थैंक यू भाई, थैंक यू भाई. इससे पहले और सीक्रेट्स पता चले गौरव की. सो गाइज, जिसको भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, सताए हुए हैं, शक की नजरों से देखते हैं, अब आपको पता है किसके पास आना है. यू हैव टू कम टू दिस गाय, बाबा करण सिंह. सो गाइज, द सीक्रेट था इतने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी यार. बिल्कुल इनके मुंह पे ना ऐसे हो गया था जैसे पानी. अगर मेरे चैनल पे वीडियो डालना बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मेरी मौत हो चुकी है. गाइस, जो मैं कह रहा था कि करण सिंह के पास जाएंगे, वो तो अच्छी मजिशियन है, कोई मत जाइए उसके पास. ये लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बसा बसा घर उड़ाते हैं, उड़ा देते हैं लोगों का. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. चलो इनको थोड़े अच्छे कपड़े दिलाए जाए यार, एनिवर्सरी गिफ्ट. ये ट्राई करो, मैं चाहती हूँ आप इस टाइप का ट्राई करो ना. ये देख, पहन रहा हूँ. ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं कुछ लोग लड़कों पे. पता क्यों कैसे लग रहे हो? होटे नाटे. दिखाओ कैसी लग रही है. चलो करके दिखाओ. ए ए
देखो फिटिंग अच्छी आती है बट जिसमें ना अब मेरे हाथ लॉक्ड है, आई कैन नॉट डू दिस. क्या टाइट है क्या? अनकंफर्टेबल है क्या ज्यादा? अगर तो मेरे पे लड़कियां मर रही है तो मैं कंफर्टेबल हूँ. वैसे अगर तेरे साथ पहनूंगा तो फिर अनकंफर्टेबल हूँ. जामवंत लग रहे थे प्रभु श्री राम हमको सेवा का मौका दे प्रभु श्री राम. आई कैन सी एंड टेल. मैं देख रहा था कोई मैं अच्छी लगी कि नहीं. मैं फालतू नहीं करता. बस वो देख उसके इसकी इसकी बीवी ने सो इतना कपड़े ट्राई किया इसका हार्ट टू डॉग है देख. आपकी भी यही हालत होगी जल्दी. तो गाइस एम्बियंस मॉल से शॉपिंग करने का हम लोग अभी आ चुके हैं. मुझे इतनी जोर से मौत पड़ रही है, मेरे को इतनी नींद आ रही है यार. वो खाना खाने में चीज़ बहुत था और उसकी तो फ्लाइट भी है अभी. मेरे को एक चीज़ लगती है कि जब मॉल्स में जाते हैं हम लोग इतनी इतनी शॉपिंग करते हैं हजारों रुपए की और फिर भी पार्किंग के चार्ज देते हैं, हमसे ऐसा गलत है. पार्किंग फ्री होनी चाहिए मॉल में यार, इतना पैसा ले रहे हो. मतलब जनता को हर तरफ से लूट रहे हैं लोग, हर तरफ से. देखो गाइस अभी मैं बहुत थक गया हूं, मेरे को व्लॉग की एंडिंग मेरे से हो नहीं रही. मुझे लगता है चरस पीनी पड़ेगी. साला दो साल से सुलभ शौचालय नहीं बन पा रहा है. ताजमहल बना रहे क्या बना रहे? दिन भर यहाँ पंप खुद रहते. मुझे लगता है लोग यहाँ इतना ज्यादा हग के जाते हैं, नाले खराब रहते हैं. सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, माँ कसम ये क्या दिखाते हैं? ये देखिए ये हरी है, ये देखिए पीली है. ये म्यूजियम ऑफ टॉयलेट देखना है तो आप आ सकते हैं. यहाँ पे संडे हॉलीडे होती है, 10 बजे से 5 बजे तक महावीर एनक्लेव में खुला हुआ है सुलभ म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स. यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की पॉटियाँ दिखाई जाएंगी और सुसु दिखाई जाएंगे. स्मेल भी कराते हैं क्या? नया बोल दिया करो ना, कुछ नया बोला करो कि लोग सही में लाइक करें. चलो गाइज इसको लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? वाह क्या नया बोला है. वाह चलो एवरीवन बाय बाय.